यार, घर को सजाना संवारना एक कला है। हम गृहिणी अपने घर को सुंदर बनाने की कोशिश में बस जुटी रहती हैं। कहीं ना कहीं सुंदर और ऑर्गेनाइज घर आपकी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करता है। हम मार्केट से ढेर सारा सामान लेकर आते हैं और अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, लेकिन कुछ अगर हम अपने हाथों से बनाए, वो भी वेस्ट मटेरियल के सामान से डीआईवाई करके, तो एक अलग ही खुशी मिलती है और वो यूनिक भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो किसी और के पास नहीं होता। हाय एवरीवन, दिस इज़ अंजू एंड वेलकम बैक टू अंजू शर्मा क्रिएटिविटी। तो बस जैसे कि आप देख रहे हो, अब मैं यहाँ पे खेल रही थी पत्थरों से। अब देहरादून में रहते हैं तो यहाँ पे नदी और पहाड़, पत्थरों की तो कोई कमी है नहीं। गई थी घूमने और आ गया दिमाग में, चलो इन पत्थरों से ही हो गया मुझको प्यार, और इनको लेके आ गई घर पर, धोया, साफ़ किया और आइडिया लगाया कि क्या इससे मैं बना सकती हूँ। क्योंकि आशा कि आप जानते ही हैं कि नो कॉस्ट DIY तो होने ही है। सो वॉल पुट्टी कर ली तैयार। अब ये 20 रुपये की वॉल पुट्टी खरीदी थी, तो इसको मैं करूँगी तो इस्तेमाल कहीं बहुत सारी वीडियोस में। जी, अब एक वॉल पुट्टी लाकर अब एक ही वीडियो में तो यूज़ नहीं करूँगी ना, उसे बहुत सी वीडियोस में यूज़ करूँगी। तो अब मेरे दिमाग में इन पत्थरों की शेप देखकर तो एक ही आइडिया आ रहा था, तो इनसे बनाई जाए एक आउल फैमिली, एक विंटेज जो फ्रेम रेडी किया जाए अपने घर की एंट्रेंस के लिए। तो बस लग गई मैं अपनी कलाकारी दिखाने में। तो बस करना क्या है ना, वॉल पुट्टी अगर आपको नहीं आता है ना डो बनाना, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेक करो। वहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो हर बार वॉल पुट्टी के साथ काम किया हुआ है मैंने। डो बनाना मैं बताती हूँ, तो इस वीडियो में मैंने नहीं बताया आपको डो बनाना, आप वो चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बस इस तरह से आउल को हम शेप देते जाएंगे और वॉल पुट्टी के कॉइल्स बनाकर उनको पानी के साथ जो है चिपकाते जाएंगे। वॉल पुट्टी बहुत इजीली जो है ना पानी से स्टिक हो जाती है, और इसके साथ ना काम करना भी बहुत इजी होता है, और जिस तरीके के हम शेप देना चाहें वो भी हम जल्दी से वोल्ट कर लेते हैं। और पर्सनली कहूँ तो मुझे वॉल पुट्टी सस्ता, टिकाऊ और मतलब ऐसा काम लगता है कि जिसमें आपको कुछ ऐसा कुछ पैसे भी नहीं खर्च करने हैं, और काम भी जो है ना बहुत इजीली दे देता है और आउटकम्स भी बहुत सुंदर आते हैं। तो बस जानते तो हैं आप, टूल्स वगैरह तो मैं लेती नहीं हूँ कुछ इन चीज़ों को डिटेलिंग देने के लिए, तो जो मेरे पास अवेलेबल होता है घर से, जैसे कि यहाँ पर मैं अब अपने ब्रश की बैक साइड से ही जो है डिटेलिंग दे रही हूँ, पैर वगैरह जो भी आउल के, जिससे बाद में जो है ना जब हम इसको कलर करें तो वो जो है ना हमारी कलाकारी जो है ना वो निखर के आ जाए, मतलब इन्हेंस हो जाए उसकी ब्यूटीफुल आउल जो है ना बहुत अच्छा लगे। तो बस पानी के साथ थोड़ा और उसको चिपकाने जिससे वो हार्ड हो जाए। बस ये हो गया रेडी, बाकी को मैंने रेडी किया और ये देखो ये होता है, मतलब वीडियो में तो सब क्लीन क्लीन नज़र आता है ना, पर हकीकत तो ये होती है कि पीछे देखो क्या हाल हो जाता है वॉल पुट्टी के साथ। क्योंकि एक थोड़ा सा डो बनाना पड़ता है क्योंकि वो सूख जाता है, तो मुझे बार बार बनाना पड़ता है जिससे जल्दी से जो है ना उसका डो काम हो जाए, और हाथों का ये हाल। बाकी जो मेरे आवर्स थे वो मैंने कुछ इस तरह से रेडी किया। अब यार इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी आप एक सब्सक्राइब ना करो, ये तो गलत होती है ना बात। तो यार सब्सक्राइब करना भी फ्री है, तो इसी बात पे कर दो सब्सक्राइब, और वीडियो और मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेहनत अच्छी लगी या नहीं। तो अब सूखने के लिए मैंने 1.5 घंटा छोड़ दिया था, क्योंकि गर्मियां हैं, पंखा चलता रहता है तो जल्दी सूख भी जाता है। तो बस इसको सैंड पेपर के साथ थोड़ा सा जो है ना फिनिशिंग करेंगे हम लोग, मतलब उसको बिल्कुल स्मूथ बना देंगे सैंडिंग करके। तो बस यहाँ पे बहुत सारे इसी तरीके से मैं सैंड करके इनको स्मूथ बना लूँगी, जिससे बाद में मैं जब कलर करूँ तो वो जो कलर है ना वो बहुत अच्छे से जो है उभर कर आ जाए। तो बस हम इनको सैंडिंग करके जितना भी एक्स्ट्रा जितना उसका डस्ट होगा वो हम ब्रश के साथ कर देंगे क्लियर, और बस हमारा आउल जो है रेडी है। लग रहा है ना सुंदर? चलो बेस तो हमारी हो गई थी, हमारी फैमिली की रेडी। अब हम इसको और ज़्यादा जो है ना प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब प्राइमर करेंगे, और प्राइमर करने के लिए क्या लेना होगा हमें, फेविकोल, और थोड़ा सा मैं लूँगी यहाँ पे मार्बल पाउडर, और इसके साथ हम बनाएंगे जैसो। अब जैसो जो होता है ना वो एक तरीके से प्राइमर होता है, मतलब प्राइमर का काम करता है, तो इससे हमारे जो कलर्स होती हैं, हमारी जो भी DIYs होते हैं ना वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे DIY करने के बाद भी मैं इसको थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ दूँगी बाकी सब चीज़ें, और जो है इनको अच्छे से थोड़ा ड्राई होने देंगे, क्योंकि थोड़ा जैसो भी जो है ना आधा एक घंटा तो लेता ही है सूखने के लिए प्रॉपर के तरीके से। तो बस यहाँ पे हम इनको सूखने के लिए छोड़ देंगे,
और जब सूख जाए तो एक कटोर में वाइट एक्रेलिक कलर का कर दूंगी, जिससे वो और जो मेरे कलर होंगे ना वो मतलब और निखर के आए। तो इस बार थोड़ा सा शॉर्टकट ले लिया मैंने और ज़्यादा, क्योंकि मैंने इस बार एक्रेलिक कलर्स नहीं यूज़ किए, ये इंक पेन यूज़ किए। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें आपको बताया था ये इंक पेन्स की डिटेल्स के बारे में, तो मैंने उनको यहीं पे यूज़ करके देखा है। मैंने बोला भी था आपको कि जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा ना वो इनको लेकर होगा, तो बस यही था वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट। और मैंने यहाँ पे इन्हीं इंक पेन्स का यूज़ किया जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुल एंड शॉर्टकट काम किया है और बहुत अच्छे से इजीली फटाफट हो गया, मतलब आधा घंटा भी नहीं लगा मुझे इन चारों को डेकोरेट करने के लिए और जल्दी जल्दी ये सब हो भी गया। वरना एक्रेलिक कलर से इतनी टाइम के बाद मुझे फिनिशिंग देनी पड़ती वन बाय वन बारीक बारीक ब्रश के साथ, और ये क्योंकि मोटी निब और दोनों निब के साथ आते हैं तो इजीली भी हो गया। मैंने तो ये लोकल मार्केट से ही लिया था, अगर आप परचेस करना चाहें तो ये अमेज़ोन एंड फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, मैं चेक कर चुकी हूँ तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। ये जो होता है ना इंक पेन होते हैं एक तरीके से, बहुत ही अच्छे इफेक्ट देते हैं। डल डल लग रहा था तो मैंने यहाँ पे ब्लैक मार्कर लेके, मतलब उसी का इंक पेन का ही ब्लैक साइड लेके सबको है ना जो एक आउटलाइन दे दी, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा जो है ना ब्राइटनेस में आ गया और सुंदर लगने लगा। और आप चाहें तो अपने कलर्स अपनी चॉइस से कीजिए, आप चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं यार, सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्रिएटिविटी होती है। मैंने थोड़ा सा जो है ना इनको कलरफुल रखने की कोशिश की है, तो मैंने इन चारों को जो है बहुत ही ज़्यादा कलरफुल लुक दिया है, लेकिन जो फ्रेम है ना वो मैं बहुत ही ज़्यादा विंटेज रखूँगी, तो जिससे जो दोनों जो है ना कंट्रास्ट में आ जाए और दोनों जो एक दूसरे को जो है कॉम्प्लीमेंट करें। तो बस अब जब नेक्स्ट फ्रेम के लिए हम लेंगे ये कार्डबोर्ड सा, कार्डबोर्ड क्या मैं आपको रियलिटी बता देती हूँ, मतलब जो हमारी आती है ना पोस्टर्स आते हैं पूजा वूजा करने के करवा चौथ वगैरह के, तो पिक्चर्स जो है ना वो ख़राब हो गई थी तो उसका बोर्ड मैंने रख लिया था संभाल के। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ विंटेज लुक के लिए ये लकड़ी का काम, ये तो यार इजीली हमारे घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेड़ जो टूटा हुआ होता है उससे मिली जाती है, उसकी छाल मैंने उतार दी और ये मैंने किनारे मैक्रेम जो रोप होती है उसको लगा के उसको जो है किनारी जो है बॉर्डर्स जो है क्रिएट कर दिए। और आपको थोड़ा सा ये बोलती हूँ कि इस बार मैंने बोला था ना मैं एक्रेलिक कलर्स वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है कॉफ़ी पाउडर का, जो नॉर्मल जो हम कॉफ़ी बनाते हैं ना घर में, बस वही ये कॉफ़ी है, वो इसी कॉफ़ी के साथ जो ना इससे ना एक अलग सा ही मतलब एक बहुत ही विंटेज सा लुक आ जाता है कॉफ़ी यूज़ करके। तो मैंने देखा स्प्रिंकल कर लिया जिससे लगे कि ओल्ड पेपर सा होता है ना रखा हुआ, एक पुराने ज़माने के घर होते थे पुराने ज़माने में उस तरीके की एक कुटिया वगैरह में चीज़ें होती थी ना, उस तरीके से बस बनाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो, और सब्सक्राइब किए बिना तो जाइएगा नहीं, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी जो नेक्स्ट वीडियो हो ना वो सबसे पहले आपके पास आ जाए, है ना। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, स्टे ट्यून्ड विद मी एंड गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।